So we start with virtual reality. Everything that we experience in our reality is perceived through our senses. From this came the idea that we can present our senses with made-up or non-real information. Our perception of reality would also alter in response to that. Virtual reality is a three-dimensional computer-generated situation that simulates the real world. The user can interact with and explore the environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions for users. Yani, virtual reality एक ऐसा concept है, virtual means imaginary, कि हम computer में या कहीं screen पे ऐसा imaginary situation या scenario generate करते हैं, but because of the technology, because of the things we use for that, objects we use for perceiving that, वो ऐसा लगता है कि एकदम सामने है. जैसा हम मैंने बोला 3D देखने के लिए, movies देखने के लिए हमें वो 3D glasses दिए जाते हैं. So because of that, it seems that it is exactly अपने आंखों के सामने. अपने काफी बार ऐसा एसएल वर्ल्ड या ऐसा कोई भी थीम पार्क्स रहेगा बड़ा बड़ा, आपने वहां पे चेक किया रहेगा कि वर्चुअल रियलिटीज वगैरह जो है वहां पे ऐसे कोई भी टाइप का अवेलेबल होता है, जहां पे दे आर सिमुलेटिंग दैट एनवायरनमेंट वेयर यू आर एक्चुअली इन अ क्लोज रूम बट यू फील लाइक यू आर इन टू गार्डन और यू आर एस्केपिंग और यू आर रनिंग और यू आर गोइंग थ्रू माउंटेन क्लिफ्स या एटसेट्रा एनीथिंग लाइक दैट. सो ये सब वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट है, जहां पे एक इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी बट एक सिचुएशन या एक सिनारियो बोलो, जो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, स्क्रीन पे होता है एंड हम एक क्लोज रूम में ही होते हैं. बट जब भी हम वो ग्लासेस या वो ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, बिकॉज ऑफ विच वी कैन सी दैट लोग ऐसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, लोग ऐसे काफी सारे कंप्यूटर जनरेटेड गेम्स है फॉर विच वर्चुअल रियलिटी इज बीइंग यूज्ड. सो ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली वहां पे है. जैसा अभी आप काउंटर स्ट्राइक का एग्जाम्पल ले लो, वर्चुअल रियलिटी में आया है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि अभी आप जो लैपटॉप पे खेलते हो, अभी आप जो कंप्यूटर्स पे खेलते हो, सो यू know that you are playing on the computer. With virtual reality, you feel that you are exactly there on that place and that is what you are supposed to do over there. So, wo feel, look and feel zyada aata hai uska. So, ye virtual reality ka benefit hai ki wo hume real time visual ya real time experience bolte hain, real time feel deta hai imaginary hoke bhi. The user can interact, sorry, ye ho gaya. At present, it is achieved with the help of VR headsets. ये VR जो हेडसेट्स होता है, इसको VR हेडसेट्स बोलते हैं. ये VR हेडसेट्स के बेसिस पे हमें पता चलता है कि मतलब हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है वर्चुअल रियलिटी का. इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपीरियंस ऑफ VR मोर रियलिस्टिक, इट प्रमोट्स अदर सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाइक साउंड, स्मेल, मोशन, टेम्परेचर एक्सेट्रा. यानी आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो गेम में खेला है तो काफी बार ऐसा होता है कि रेनी सीजन का ये होता है, काफी इसमें ऐसा आगे जाके लेवल्स पे समर्स में कनेक्ट होता है, तो ऐसा बार बार एनवायरमेंट चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, तो उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए ना वो ऐसा साउंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसा रेनिंग का होगा तो बारिश के साउंड का ये आएगा, गर्मी में आ गए कुछ ऐसा, समर सीजन जैसा रहेगा तो टेम्परेचर्स बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, विंटर में ऐसा आएगा तो विंटर के लिए ये कर देंगे. सो उससे क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है. It is a comparatively new field and has found its application in gaming, military training, medical procedures, entertainment, social science and psychology, engineering and other areas where simulation is needed for better understanding and learning. तो इसका जो applications है वो entertainment से लेके education तक हर एक field में implement किया है, so that there are more clear pictures, more clear understanding of the subjects or the topics. So after virtual reality, we have augmented reality. The superimposition of augmented generated perceptual information over the existing physical surroundings is called as augmented reality. Yani, I would better show a video जिसे पता चले, वरना ये बहुत confusion है augmented reality का. Just a second. Yeah, so this was the video I was telling about augmented reality, कि ये जो है वो digital data, physical data को map करता है और जो भी लिखा पड़ा होता है उस book में या फिर कहीं information available होता है online, so only on that thing it will give you the information about that. कि आप अपने टैब को, फोन को, जिसमें भी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्निक्स हो, वो इमेज के पास, वो डायग्राम के पास अगर रखोगे तो उसके रिलेटेड डेटा वो ऑटोमेटिकली बताना शुरू करता है. अभी वो एग्जैक्टली कैसे ये इस वीडियो में दिया है, सो प्लीज वॉच इट
carefully. सी ओवर हियर, ये जो डायग्राम्स नोटबुक में है उसी डायग्राम के बेसिस पे उसने जो ये सब एनिमेशंस है, ये सब जो फीचर्स है वो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम ओनली इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग एनिमेशंस एक्सप्लेनिंग द रीडर कि इस बुक में एग्जैक्टली लिखा क्या है एंड ये जो मशीन है वो एग्जैक्टली वर्क क्या करता है, कैसे करता है. सो प्लीज वॉच इट अगेन. सो दिस वॉज अबाउट दैट ऑगमेंटेड रियलिटी वीडियो. जैसे आपने देखा यहाँ पे भी बताया हुआ है कि ये जो डिजिटल डेटा है अगर फिजिकल डेटा में से आप कुछ भी इमेज या लोकेशन कैप्चर करते हो सो उसके रिलेटेड अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा था. इस वीडियो में हमने बेसिकली सी ये देखा था कि ये जो बंदा है वो जो रीड करने का ट्राई करता है, वो जब रीड करने का ट्राई करता है तो ये जो सिमुलेशंस है वो डायरेक्टली उसकी आंखों के सामने आता है. तो ये जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे ये सब जो दिया हुआ है दैट एक्सप्लेनेशन एक्चुअली उसको एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाता है कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसका यूजेज होता है, इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग मॉडल कैसा है, हाउ द सिस्टम वर्क्स, ईच एंड एवरी डिटेल ओवर हियर. सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग और ऐसा टेक्निकली कुछ वर्ड्स है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है वो ऐसा ऑटोमेटिकली यहाँ सिमुलेशन के थ्रू हमें समझता है. सो दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर. सी ये एक मशीन है, ये ऐसे काम करता है, यहाँ से पेपर आने के बाद यू नो इट इज स्प्रेडिंग ओवर हियर. सी द रोबोट आर्म, हाउ इट चेक्स, ये मशीन है वो कैसे वर्क करता है, उसमें सेंसर्स कैसे लगता है. तो ये कैसे होता है जब आप ये जो बुक का डायग्राम्स है वो आप ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पे ऐसा वो टैब लेके इस पे प्लेस करो तब वो डायग्राम से जाके ये एनिमेशन ये सिमुलेशन आया. और वो सिमुलेशन कब पॉसिबल है, जब ऑनलाइन इधर एग्जैक्टली द सेम एक्सप्लेनेशन का वीडियो और सिमिलर वीडियो अवेलेबल हो तब जाके आप उस पे ऐसा ये कर सकते हो. इन द सेंस कि आपको गूगल पे जाके स्पेशली सर्च करके 10 साइट देख के करने का मेहनत का जरूरत नहीं है. ओनली बेस्ड ऑन द पिक्चर यू विल हैव द डेटा डन. सो फॉर दैट मैटर आई विल शो वन मोर वीडियो फॉर दिस. Now see over. In this video, the person is trying to show the augmented reality technology. So ये मैं थोड़ा forward कर रही हूँ जिससे आपको पता चल सके. Now see, he is keeping that tab which is having technology of AR on that heart over here and see what happens. See, it starts beating. जबकि ये सिर्फ इमेज है अपने पास, बट जब भी हम उसके सामने टैब रखते हैं तो वो क्या करता है, सिमुलेशन दिखाता है. सो व्हाट हैपेंस बेसिकली कि वो इमेज को कैप्चर करता है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है नेट पे अवेलेबल है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाता है. फर्स्ट इट स्टार्ट विद द बेसिक दैट दिस इज द हार्ट एंड इट स्टार्ट्स बीटिंग लाइक दिस. उसके अलावा इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हो सो वी कैन हैव दैट एज वेल. जस्ट अ सेकेंड. Like see, the moment he clicks on this heart, you will also have the information related to heart on Wikipedia, Google, जहाँ पे जैसा available है. So that is what I meant कि जैसे ही आप ये image है उस पर अगर वो tab रख देते हो तो उसके related सारा जो information है वो available हो जाएगा. See, so this is augmented reality के without typing anything, without looking for anything, it is actually capturing that image, that object and based on that it is showing us the simulation or the information it has. ऐसा और भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे.